मैं डॉक्टर वैभव नासरे हूँ। मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। सो जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे हार्ट की एक रक्त नाड़ी चोक हो जाती है, एग्जैक्टली ब्रेन में भी वैसा ही होता है। दो तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। एक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन की एक रक्तवाहिनी फट जाती है, जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, और वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स के कारण, ये ब्रेन एक क्लोज बॉक्स है, अगर उसके अंदर ब्लीडिंग हुआ तो प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। क्लोज बॉक्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है, एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है और कोमा की स्थिति निर्माण होती है। छोटे ब्लीड्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बड़े ब्लीड्स में डेफिनेटली पेशेंट कोमा में चले जाता है। दूसरे तरीके का स्ट्रोक होता है कि कोई रक्तवाहिनी फटती नहीं है, लेकिन कोई रक्तवाहिनी चोक हो जाती है, जिसके कारण खून का बहना उस वाहिनी से बंद हो जाता है और ब्रेन का एक भाग डैमेज हो जाता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है, बात करने में तकलीफ होती है, बात नहीं कर सकते हैं, एक साइड का हाथ और पैर काम करना बंद हो सकता है, मुंह टेढ़ा होने लगता है। सो दोनों के ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन हम बहुत हर सेकेंड ये होने के बाद में पेशेंट के ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। जितने जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है, उतना पेशेंट का रिकवरी इम्प्रूव हो सकता है। सो अगर ब्रेन ब्लीड्स की बात किया जाए, तो उसमें छोटे ब्लीड्स को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है। बहुत बड़ा मैसिव ब्लीड रहा तो, पेशेंट कोमा में रहा तो उसको इमरजेंसी सर्जरी लग सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव उनको टाइम लगता है ठीक होने को, वेंटिलेटर सपोर्ट, ये सब चीज़ें लगती है। जो रक्तवाहिनी चोक होने की ट्रीटमेंट है वो टोटली डिफरेंट होती है। उसमें पेशेंट अगर 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर पेशेंट पहुंचता है, तो दो तरीके के बेस्ट ट्रीटमेंट माने जाते हैं आज की तारीख में, जो WHO गाइडलाइंस रिकमेंडेड है। एक तो आप खून पतला करने का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसको टेनेक्टिप्लेज या एल्टीप्लेज बोलते हैं, जिसके कारण रक्तवाहिनी अगर कोई चोक है तो वो खुल जाती है। दूसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जो सबसे जो US में UK में रिकमेंड किया जाता है, उसमें एक फीमोरल आर्टरी से कैथेटर जाता है ब्रेन में, और जो क्लॉटेड ब्लड है रक्तवाहिनी के अंदर उसको स्टेंट से खींच लिया जाता है बाहर। बट वो बहुत कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि उसके कैथेटर्स बहुत महंगे आते हैं, और कभी कभी इन्फार्क्ट मतलब रक्तवाहिनी चोक होने के कारण भी ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, तो उसके कारण भी ज़्यादा स्वेलिंग हुई, पेशेंट बेहोश हो गया, उसके कारण भी कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।